नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली की साक्षी, सीहोर का सूरज और सूरत की चंद कुमारी, हत्या की तीन वारदातें जिनसे देश दहल उठा है। लेकिन ये सिर्फ हत्याएं नहीं, घटनाएं हैं और जो सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या इंसान हैवान बन रहा है। जिस बेरहमी से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है उसे देखकर रूह कांप उठती है। इन घटनाओं में हत्यारों ने सिर्फ किसी की जान नहीं ली, हैवानियत की हद पार कर दी है। ऐसी सोच दर्दगी वाली ये मानसिकता, आखिर वजह क्या है इसकी? हमारी खास पेशकश में आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन वारदातों पर नजर डालते हैं जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। देखिए रिपोर्ट। हैवानियत की हद पार, इंसानियत तार तार, शहर शहर शैतान, हैवान बना इंसान। दिल्ली की साक्षी, सूरत की चंद कुमारी, सीहोर का सूरज, तीन शहर, तीन वारदातें और एक सवाल, क्या इंसान हैवान बनता जा रहा है? जिस बेरहमी से ये हत्याएं की गई हैं, उन्हें देखकर यही लगता है। दिल्ली की साक्षी हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। जिस खौफनाक तरीके से साक्षी की हत्या हुई उसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। नाबालिग साक्षी अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में जा रही थी। रास्ते में साहिल नाम का शैतान मौत बनकर सामने आ गया। उसने साक्षी पर चाकू से हमला कर दिया। वो लगातार उस पर चाकू से वार करता रहा, लेकिन इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। भारी पत्थर लाकर कई बार साक्षी का सिर उससे कुचलता है। मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बन ये दरिंदगी देखते रहते हैं। कोई भी साक्षी की मदद के लिए आगे नहीं आया। इस घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। लेकिन इंसान के हैवान बनने की ये अकेली घटना नहीं, दरिंदगी की हद पार करने वाली ऐसी ही वारदात सीहोर में भी सामने आई। यहां करबला पुल के पास ईट भट्टा के इलाके में सूरज सिंह कुशवाहा नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें देखिए, यूं लग रहा है जैसे हत्यारे के सिर पर सनक सवार हो। कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर ये युवक की जान लेता है। इतना ही नहीं, उसके शरीर के सात टुकड़े कर देता है। जब सिरफिरा वारदात को अंजाम दे रहा था, मौके पर लोग भी मौजूद थे, वो चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन हत्यारे पर कोई असर नहीं पड़ता। आरोपी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस हत्याकांड से पूरा सीहोर दहल उठा। दिल्ली सीहोर के बाद अब जरा सूरत की ये तस्वीरें देखिए। एक बाप अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर देता है, उस पर 17 बार चाकू से वार करता है। बेटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो माँ बाप के बीच चल रहे झगड़े में बीच बचाव करने आई थी। रामानुज महादेव साहू का पत्नी रेखा देवी से मामूली विवाद हुआ था। लड़ाई करने के बाद वो बाहर चला गया था, लेकिन इसके बाद बेहद गुस्से में घर वापस लौटा और तब उसके हाथ में धारदार चाकू था। उसने अपनी पत्नी पर हमला किया। माँ को बचाने के लिए बेटी आती है, जिसके बाद ये पिता वो करता है जिसकी कल्पना से भी रूह कांप जाए। आरोपी अपनी बेटी पर 17 बार चाकू से वार करता है, उसे मौत के घाट उतार देता है। हत्यारे ने पत्नी और तीन बेटों पर भी चाकू से हमला किया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बेटों को भी गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन एक पिता कैसे इतनी बेरहमी से अपनी ही बेटी की जान ले सकता है? इस वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इन तीनों वारदातों में सिर्फ हत्या ही नहीं की गई, हत्यारों ने इस तरह खूनी खेल खेला है कि शैतान को भी शर्म आ जाए। इन हैवानों का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं था, इनके सिर पर हैवानियत का जुनून सवार था। तभी तो जान लेने के बाद भी ये वार करते रहे। ये हत्यारे किसी की जान लेते हैं, लेकिन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये वारदातें समाज की सोच पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देश से कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं जो यही कह रही हैं कि क्या इंसान हैवान बनता जा रहा है। इंसान तो हैवान बन ही रहा है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी हैं जब लोग तमाशबीन बनकर उन घटनाओं को देखते रहते हैं, रोकने की जहमत तक नहीं उठाते। साक्षी वाले केस में यही सामने आया। साहिल,
साक्षी पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। वहां से लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन साहिल को, उस दरिंदे को, उस हैवान को रोकने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। तो यह भी सवाल है कि इंसान तो हैवान बन ही रहा है, लेकिन क्या लोगों की संवेदनाएं भी खत्म होती जा रही हैं? ऐसे कोई किसी का मर्डर करता रहेगा सरेराह और कोई रोकेगा भी नहीं? सवाल यह भी उठता है। दूसरे केस में भी यही सामने आया, जब एक शख्स ने कुल्हाड़ी से एक की गर्दन काट दी और 7 टुकड़े कर दिए उसके शरीर के। कई सारे सवाल ये घटना खड़े करती है और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रेणु यादव हैं, समाज सेवी हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका। रूमा भट्टाचार्य हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। रूमा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर रेणु यादव जी, जिस तरीके से देश प्रदेश में ब्रूटली मर्डर की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर क्या रिएक्शन आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सुमित जी, सबसे पहले तो इस तरीके की घटना देखते हुए ही एक हृदय विदारक घटना है, जिसको देखते हुए ही एकदम ह्यूमैनिटी से विश्वास सा उठ जाता है कि लगता है कि आजकल सोसाइटी जहां पर लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, जहां पर कुरीतियां घट रही हैं, उस तरीके वैसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर ऐसा कैसे हो रहा है। एक कहना चाहिए बहुत ही मन को झिझोड़ देने वाली घटना है ये, और मैं इस तरीके की घटनाओं को कहीं ना कहीं एथिक्स और मोरल से जोड़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं तो हम लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी आखिरकार सोसाइटी में क्या कमी रह जा रही है, ऐसा हम समाज एज अ समाज ऐसा हम क्या नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही। बिल्कुल रेणु जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। रूमा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कुछ रिएक्शन है रूमा जी आपका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश प्रदेश में जो जघन्य हत्याकांड की वारदातें सामने आ रही हैं, पहला रिएक्शन आपका रूमा जी? जी, जहां भी इंसान है वहां क्राइम्स होती हैं, और भारत जो है क्राइम रेट में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। बस यही है कि यूएसए यूके जैसी कुछ कंट्रियां भारत से आगे है। और अगर हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करते हैं तो कुछ प्रदेशों में उसके आंकड़े ज़्यादा है। दिल्ली तो खैर इसमें अव्वल है, और जो घटना साक्षी के एकदम ग्रूसम मर्डर की हुई वो तो निश्चित रूप से बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि जहां हत्यारा या आरोपी तो अपना कृत्य कर ही रहा था, लेकिन जो लोग क्रिमिनल नहीं हैं, जो सभ्य समाज के सभ्य जो सिटीजन्स है, उन लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई, उन लोगों ने कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं दिखाया उस हत्यारे को रोकने में, उन लोगों का कोई रिएक्शन नहीं था। वो तो ऐसे हो रहा था जैसे कि कोई सीरियल चल रहा है, वो आते जाते देखते हुए चले गए। सबसे चिंताजनक बात जो है किसी भी देश के पतन का यही है जब उसके जो पॉपुलेशन है, उसकी जो आबादी है, बिल्कुल सही बात की आपने कि मतलब ऐसा असर ही ना वो देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी का मर्डर कर देना एक बहुत सामान्य बात सी हो गई है। अब रूमा जी, जी बिल्कुल, देखिए जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, उसकी मानसिकता पे तो मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगी ही, लेकिन एक मनोचिकित्सक होने के नाते और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की एक इलेक्टेड काउंसिल मेंबर होने के नाते, जो हम लोग सोसाइटी में बदलाव देखते हैं और जिसमें हम लोग गहन उसका अध्ययन करते हैं, तो ये जो एपिसोड था ये सबसे ज्यादा चिंताजनक थी कि जहां पे एक मोहल्ले में एक युवती, एक किशोरावस्था वाली लड़की, उसका उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको चाकू से घोपा जा रहा है, वहां कम से कम एक दर्जन लोग आते जाते दिख रहे हैं जो उसके एक मुख दर्शक बन के खड़े हुए हैं या आते जाते टहलते हुए चले जा रहे, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, और किसी देश के पतन का ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि गांधी जी कहते थे ना कि मतलब बुराई को टॉलरेट करना भी एक अपराध है,
तो वो सारे लोग भी उतने ही अपराधी हैं जितना वो क्रिमिनल ने जो हादसा अंजाम दिया है। वो तो खैर जघन्य है ही है, उसकी भी मानसिकता एक है, लेकिन बहुत सारे इसमें पहलू उठ के आ रहे हैं कि किशोरावस्था की बच्चे बच्चियों को उनके माता पिता किस तरह से हैंडल करते हैं, कैसे उनकी दोस्तियों को जो है वो उन तक बात वो शेयर करने के लिए एक ऐसा माहौल दे पाते हैं कि बच्चे बच्चियां अपने दोस्तों के बारे में माता पिता से खुल के डिस्कस कर सके, ये नहीं हो रहा है। माता पिता अपनी एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, किशोरावस्था वाले बच्चे एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, और जहां ये जघन्य अपराध हो रहे हैं वहां तो मैं ये समझती हूँ कि वहां पे अगर चार इंसान भी कलेक्टिवली उस इंसान को पीछे से आके पकड़ लेते, एक डंडा ही उस पे मारते, एक पत्थर ही उछाल के मारते, तो आज साक्षी हमारे बीच होती, शायद तड़पती, लेकिन शायद हमारे बीच होती। तो ये पूरा जो बढ़ती अपराध में हिस्सेदारी हम सबकी है, ये समझना जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पतन की जो प्रोसेस है वो तो बढ़ती ही चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि पाप को होते हुए देखना और कुछ ना बोलना भी पाप का भागीदारी आपको बनाता है। रूमा जी, मैं लौटूंगा आपके पास और इन हैवानों की मानसिकता पे भी आपसे मैं चर्चा करूंगा। डॉक्टर रेणु यादव, ऐसी घटनाएं देखकर हम कहेंगे कि जो इंसान है वो हैवान तो बन ही रहा है, लेकिन साक्षी वाले केस में जैसा कि रूमा जी ने भी कहा, आपने भी शायद वो सीसीटीवी देखा होगा, उसमें मर्डर हो रहा है, उस पर चाकुओं से वार हो रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन उसको साहिल को कोई नहीं रोक रहा, तो क्या लोगों की संवेदनाएं भी मर रही हैं, खत्म हो रही हैं ऐसी घटनाएं देखकर? क्या कहेंगे आप डॉक्टर रेणु यादव? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो डिजिटल एरा या सोशल मीडिया की एरा, या हम लोग कह लें कि जो हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न लाइफ में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के लिए की घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही जी, है? जी 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 हाँ, तो मुझे लगता है कि ये सब जो फैक्टर्स हैं, जो हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वो इस तरीके की घटना, आज पड़ोसी को ही पड़ोसी के बारे में नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। उस घटना की भी वीडियो मैंने देखी, मैंने देखा कि सारे लोग मुंह पत्थर की तरह उसको देख रहे हैं और देख करके मुंह फेर कर आगे भी बढ़ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कि उनको मतलब नहीं है, लेकिन उनको मतलब क्यों नहीं है? तो आजकल की जो शायद लाइफ स्टाइल, मैं बोलूं कि आज आपको आपके पड़ोसी से मतलब नहीं है और आप जानना भी नहीं चाहते कि आसपास की तो ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर रेणु यादव, ऐसा क्यों, आखिर क्या इसके पीछे की वजह क्या समझती हैं आप? जी, मुझे लगता है कि जैसा कि अभी मैंने कहा कि आजकल जो है परिवार बहुत ज्यादा सिकुड़ते जा रहे हैं। हाँ। जो एक पहले दादा दादी का कल्चर हुआ करता था, और उस कल्चर में हम लोग अपने ही नहीं, अपने मोहल्ले वालों सबकी हमको खबर होती थी कि कहाँ पर क्या चल रहा, तो एक कहते हैं कि एक सबके पीछे बॉन्ड जैसा क्रिएट था। तो आजकल की मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, आजकल का जो हम लोग वर्चुअल एरा में ज्यादा जी रहे हैं अपनी रियल लाइफ के बजाय, तो मुझे लगता है इस तरीके की घटनाओं के लिए इस तरीके की लाइफस्टाइल की बहुत बनती है। और सेकेंडली हेलो जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको जी। सेकेंडली मुझे लग रहा है कि आजकल कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज और कहना चाहिए एथिक्स पर लोगों का फोकस कम होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन को वैल्यू करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स और कॉलेज लेवल पे कहीं ना कहीं हमें मोरल्स और एथिक्स के पाठ भी पढ़ाए जाने चाहिए। ये मेरा एज अ एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जब भी इस तरीके की घटना होती है और मैं अपना व्यू रख रही होती हूँ, तो मैं ये बात जरूर कहती हूँ कि आज हमने इंग्लिश, संस्कृत और पता नहीं कौन कौन से फ्रेंच लैंग्वेजेस और ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रखा है सिलेबस में। हम एक प्रॉपर मोरल और एथिक्स की क्लासेस, एक प्रॉपर उसको सिलेबस में इनकलकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ताकि बच्चा स्कूल से ही वो सारे पार्ट पढ़े। मुझे लगता है कि अगर एजुकेशन में हम वो सारी चीजें इनकलकेट कर पाएंगे, तो मुझे लगता है इस तरीके की जो मानसिकता है या वो कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो होगा ये हम कहना चाहिए कि रूट लेवल से ही हम एक बच्चे को मोरल और एथिकल वैल्यूज उसके स्कूल से ही दे रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर हम मोरल और एथिकल वैल्यूज के पाठों को अगर बच्चों के स्कूल लेवल पे सिलेबस में इनकलकेट कर सकें, कॉलेज लेवल पे जो बच्चे स्कूल क्रॉस कर चुके हैं उनके कॉलेज लेवल पे हम इस तरीके के पाठ, उनको ह्यूमैनिटी के पाठ इस तरीके की शिक्षा दें, तो कहीं ना कहीं इन सब ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज देते ही देते हैं, लेकिन एज अ समाज, एज अ स्कूल, एज अ कॉलेज, एज अ सोसाइटी, एज अ शिक्षण संस्थान भी हम इसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि हम लोग अपनी सोसाइटी और अपने आने वाली पीढ़ी और बच्चों को में मोरल और एथिक्स को इनकलकेट करें। बिल्कुल ठीक बात कही, मोरल और एथिक्स की बात आपने यहाँ पर उठाई, बहुत ही गंभीर बात आपने यहाँ पर कही रेणु जी। मैं लौटूंगा आपके पास। रूमा जी, एक होता है मर्डर करना, हत्या करना, और एक होता है बड़ी ही बेरहमी से ब्रूटली मर्डर कर देना। तो जो ये जो हैवान है उनकी मानसिकता को कैसे परिभाषित करेंगी आप, उनकी मानसिकता के बारे में क्या कुछ कहेंगी रूमा जी? जी, कोई भी इंसान पैदाइश क्रिमिनल शायद नहीं होता है। जो क्राइम करता है, जैसे इस केस में साहिल नाम का युवक, वो भी 20 साल का ही मात्र था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, आज हम सोसाइटी की जब बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले रोल मॉडल्स होते हैं, एक बच्चे का रोल मॉडल सबसे पहले उनके माता पिता होते हैं, उनके अभिभावक होते हैं। तो जब समाज में ये देखा जाता है कि पिता जो है बात बात पे माँ पे चिल्ला रहा है, खाना अच्छा नहीं बना तो थाली फेंक देना, एक खींच के झापड़ मार देना, हर बात पे पिटाई करना, गाली गलौज करना, तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए बच्चे जो हैं यही देखते हैं कि अगर महिला ने या लड़की ने बात नहीं मानी तो उससे वहीं के वहीं दंड देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी मॉरल वैल्यू किताबों में पढ़ने से नहीं आती है, लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंस से होती है। जब डेवलपमेंटल ईयर्स में हम आसपास जो देखते हैं वही हमारे दिमाग में घर करती है। तो सबसे पहले रोल मॉडल्स तो माता पिता होते हैं, घर के बड़े होते हैं, अभिभावक होते हैं। आज हम लोग चाहे वो मीडिया में देख ले तो सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर कोई शोज होती है तो वो वायलेंट क्राइम्स की होती है, रैश ड्राइविंग की होती है, शूटिंग गेम्स होती है, मतलब वायलेंस जो है वो बिकता है, कहीं भी अच्छी चीजें नहीं बिकती हैं। तो घर के अंदर भी जब उसे वायलेंस का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो किताबों में अच्छी शिक्षा मिलने से वो उसके आचरण में नहीं आ सकता है। तो घर के अंदर का जो मेरे ख्याल से जितने भी इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, ऑफेंडर्स हैं, जो क्राइम जी पारिवारिक माहौल है जी, इस पर एक रिएक्शन रेणु जी से लेते हैं। रेणु जी, जैसा कि रूमा जी ने कहा कि घर का माहौल कितना प्रभाव डालता है ऐसी घटनाओं पर, क्या आप भी इनसे इत्तेफाक जी? बिल्कुल, घर का माहौल अगर हम मैं बात करूं तो एक एक इंसान सबसे पहले अपने घर के माहौल के कांटेक्ट में होता है, तो डेफिनेटली घर का माहौल अफेक्ट करता है। कि घर का माहौल अगर अच्छा है तो बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है तो बच्चे का कहीं ना कहीं माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। अगर उसको पूरे संस्कारों के साथ पाला जा रहा है, मोरल एथिकल वैल्यूज में दी जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है दादा दादी कल्चर और जो पहले फैमिलीज का कल्चर होता था वो सब कहीं ना कहीं बच्चे के कहते हैं 360 डिग्री डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्प करता था। लेकिन कहीं ना कहीं तो बिल्कुल इंसान हैवान बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की मानवीय संवेदनाएं मरती जा रही हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। रेणु जी बहुत धन्यवाद आपका, और रूमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।